हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड थी नेवी एमआर प्रीवियस एग्ज़ाम्स की जो कट ऑफ रही है स्टेट वाइज, उसके बारे में बताने की। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो अभी इस वीडियो में मैं वहीं क्लियर करने वाला हूँ, वहीं बताने वाला हूँ। और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के कट ऑफ मेरे पास हैं, जिनके नहीं हैं उसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल सही है, और लगभग लगभग यानी कि कैंडिडेट्स ने जो बताया है उसी के आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार की है और ये मेरे पास है। तो अगर कहीं किसी स्टेट का इधर उधर हो तो ये चीज़ आप लोग ऐसा मत बोलना कि ऐसे हो गया वो हो गया, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कैंडिडेट्स ने जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ है। और ये कट ऑफ जो गई है एग्ज़ाम में वहीं मोस्टली यहीं है, इसी तरीके की कट ऑफ आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी एमआर की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टा आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं कट ऑफ की ओर। तो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं नेवी एमआर स्टेट वाइज कट ऑफ, तो इंडियन नेवी एमआर की जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, चाहे वो एडमिट कार्ड के लिए हो, चाहे एग्जाम के लिए हो, चाहे मेरिट लिस्ट के लिए हो, सबके लिए कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज ही जाती है। चलिए अब नीचे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न, पैटर्न के बारे में पता है, 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 30 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। सेक्शन ए होता है साइंस और मैथमेटिक्स का विद 25 क्वेश्चंस, और सेक्शन बी होता है जनरल अवेयरनेस का विद 25 क्वेश्चन। दोनों में 25 क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, और जो इसका एग्ज़ाम है इसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग यानी सेपरेटली पास होना होता है, यानी कि अगर एक भी सेक्शन में आप फेल हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ये चीज़ भी आप जान लो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, यानी कि अगर आप एक गलत उत्तर देते हो तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाता है। ये चीज़ मैं नए कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें ज़्यादा मालूम नहीं है, तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे है सेक्शन वाइज मिनिमम पासिंग मार्क्स 4 मार्क्स रहता है, 4 या 5 मार्क्स यही जो है सेक्शन वाइज मिनिमम पासिंग मार्क्स है। लेकिन ये मत सोचो कि अगर आप 4 और 5 नंबर ला दोगे अलग अलग सेक्शन में तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी चांस नहीं है। आपको अच्छा स्कोर करना होगा, जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपका चांस होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ठीक है? तो 4-5 नंबर पर मत जाना, बस ये मैंने बता दिया आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप लोग ये भी जानना चाहते हो हमेशा से कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है, कट ऑफ होती है, वो कितनी होती है। तो 4 मार्क्स होती है कभी कभी, कभी कभी 5 मार्क्स होती है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ऑल दी इलिजिबल कैंडिडेट्स। अब इलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से होते हैं ये भी जान लो, जो भी लोग डेट ऑफ बर्थ जिनका सही हो, यानी जो इंडियन नेवी की एडवर्टाइजमेंट में हो वो डेट ऑफ बर्थ हो, और साथ ही साथ आपने पे किया हो एग्ज़ाम फ़ी जो 215 रुपये की लगती है, अब मे भी बढ़ जाए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 215 रुपये की लगती है वो पे किया हो, साथ ही साथ आप 10th पास होने चाहिए। अगर 10th पास नहीं होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ की बात करें तो स्टेट वाइज जाती है कट ऑफ, और यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया है यू हैव टू पास इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, और ये कंफर्म चीज़ है कि आपको सेपरेटली ही पास करना होता है। एग्जाम लेवल जो है 10th लेवल का होता है, यानी 10th लेवल की जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग 10th लेवल का पूरा एग्जाम पैटर्न इसका होता है, सिलेबस भी इसका 10th लेवल का ही होता है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये है स्टेट अक्टूबर 2019 और अप्रैल 2020, ये दोनों बैच के लिए मेरे पास पूरे आंकड़े मौजूद हैं जो कि मैं लेके चलूँगा और अच्छे से सब कुछ बताऊँगा। बाकी बचा हमारा अक्टूबर 2020 बैच, तो इसके लिए आंकड़े कंफर्म नहीं थे मेरे पास, और जो हुआ है इस बार जैसे कि पूरी कट ऑफ बताई नहीं गई। जिन कैंडिडेट्स को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर नहीं है। जैसे ही मेरे पास होगा मैं आप लोगों को इस पर भी वीडियो बना के अच्छे से दे दूंगा। अगर अभी कोई बताता है कि अक्टूबर 2020 की जो कट ऑफ है वो कन्फर्म मुझे मालूम है सभी स्टेट्स की, तो वो फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस वीडियो पर बिल्कुल भी मत जाना। चलिए पहला है हमारा हरियाणा।
हरियाणा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हर एक बार इंडियन नेवी एएमआर एग्जाम में हरियाणा में ही होती है। तो यहाँ पे अक्टूबर 2019 की बात करें तो 43.75 मार्क्स गई थी कट ऑफ, और अप्रैल 2020 बैच की बात करें तो 41.25 मार्क्स की कट ऑफ रही थी। दोनों बैचेस के लिए आप अलग अलग देख रहे हैं। जो पहली बार यानी अक्टूबर 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें थोड़ा सा हरियाणा का नाम इसलिए भी चर्चित हुआ था क्योंकि यहाँ पे हैकिंग की भी जो खबरें थी वो सामने आई थी, और उसी वजह से 43.75 स्कोर करना पड़ा था कैंडिडेट्स को यहाँ पास होने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ अप्रैल में अप्रैल 2020 बैच के लिए 41.25 तो ज़्यादा नीचे आई नहीं कट ऑफ। सेकेंड नंबर पर बिहार की जो कट ऑफ थी वो 32 अक्टूबर 2019 बैच के लिए 32 और अप्रैल 2020 बैच के लिए 35 यानी 32 और 35। अक्टूबर 2019 बैच के लिए 32 मार्क्स लाने थे और यहीं अप्रैल 2020 में 3 मार्क्स चढ़ करके ऊपर ये 35 मार्क्स पे पहुंच गया। तो ये रही बिहार की कट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश 29.50 अक्टूबर 2019 बैच के लिए, और अगर बात करें अप्रैल 2020 बैच की तो 33.75 मार्क्स यानी कि सीधे 4.25 मार्क्स का बढ़ोतरी ये हुआ था इस प्रकार से। तो कट ऑफ काफ़ी इंक्रीज हुई थी, जिन स्टेट में कम थी कट ऑफ वहाँ पे इंक्रीज हुई थी अप्रैल 2020 में, और एक हरियाणा में कम हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर हमारा है राजस्थान। राजस्थान की कट ऑफ थी अक्टूबर 2019, ये याद रखिएगा 10-20-19 बैच है ये। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं 29.25 मार्क्स, और वहीं 35 मार्क्स पे पहुँच गई थी अप्रैल 2020 बैच के लिए कट ऑफ। तो ये इतना अंतर आया था, लगभग 6 मार्क्स का अंतर देखने को मिला था। आगे उत्तराखंड की कट ऑफ थी 27.50 अक्टूबर 2019 बैच के लिए, और यहीं पे अप्रैल 2020 बैच के लिए 29.25 मार्क्स स्कोर करने थे उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश की कट ऑफ थी अक्टूबर 2019 बैच के लिए 25 मार्क्स, और अप्रैल 2020 बैच के लिए 29.75 मार्क्स। तो 25 मार्क्स से बढ़कर के 29.75 मार्क्स यानी 4.75 मार्क्स की बढ़ोतरी यहां पे भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं झारखंड 26.5 मार्क्स अक्टूबर 2019 बैच के लिए, और अप्रैल 2020 बैच के लिए 29.50, तो सीधे 3 मार्क्स यहां पे भी इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, 8वें नंबर पर है हमारा दिल्ली का 22.50 मार्क्स, और नेक्स्ट वैकेंसी यानी अप्रैल 2020 के लिए 24.25 मार्क्स। ये है अक्टूबर 2019 बैच की कट ऑफ, और ये है अप्रैल 2020 बैच की कट ऑफ। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा में 22.50 मार्क्स थी अक्टूबर 2019 में, और अप्रैल 2020 में 28 मार्क्स, सीधे 6 मार्क्स का इजाफा, 5.5 मार्क्स का इजाफा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 22.25 मार्क्स, ये थी अक्टूबर 2019 बैच के लिए, और अप्रैल 2020 बैच के लिए 25.7 मार्क्स कट ऑफ रही थी वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट है हमारा पंजाब की कट ऑफ 20 मार्क्स थी अक्टूबर 2019 बैच के लिए, और अप्रैल 2020 बैच के लिए 25 मार्क्स थी यहाँ की कट ऑफ पंजाब की। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र की कट ऑफ अक्टूबर 2019 बैच के लिए 19.50 और अप्रैल 2020 बैच के लिए 24 मार्क्स रही थी। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, 18.75 मार्क्स कट ऑफ रही थी ये अक्टूबर 2019 के लिए, और नेक्स्ट ही वैकेंसी में यानी अप्रैल 2020 में 21.7 मार्क्स हो गई थी कट ऑफ बढ़ करके। आगे कर्नाटका है, कर्नाटका की कट ऑफ थी 13.75 मार्क्स, ये थी अक्टूबर 2019 में, और अप्रैल 2020 बैच के लिए 17.25 मार्क्स वहाँ की कट ऑफ हो गई थी। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा गुजरात की जो कट ऑफ थी वो 17.50 मार्क्स थी, और ये थी अक्टूबर 2019 बैच के लिए, और अप्रैल 2020 बैच के लिए 20.25 मार्क्स कट ऑफ हो गई थी बढ़ करके। तेलंगाना नेक्स्ट है हमारा, तेलंगाना की कट ऑफ 18.75 मार्क्स
रही थी अक्टूबर 2019 बैच के लिए और 18.75 मार्क्स रही थी अप्रैल 2020 बैच के लिए। आगे आंध्र प्रदेश की कट ऑफ 22.5 मार्क्स रही थी अक्टूबर 2019 के लिए और अप्रैल 2020 के लिए 27.75 मार्क्स। नेक्स्ट नंबर हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ अक्टूबर 2019 के लिए 23.25 मार्क्स और अप्रैल 2020 के लिए 26.50 मार्क्स। नेक्स्ट आसाम की कट ऑफ 14.75 मार्क्स ये थी अक्टूबर 2019 के लिए और 17.50 मार्क्स ये थी अप्रैल 2020 बैच के लिए। ठीक है, और ये लास्ट छत्तीसगढ़ की थी 21.75 मार्क्स, ये थी अक्टूबर 2019 बैच के लिए यानी 10/2019 बैच और ये 4/2020 बैच की कट ऑफ थी 22 मार्क्स। तो इस तरीके से ये 20 स्टेट्स की कट ऑफ मेरे पास थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखा कि बढ़ोतरी हुई है कट ऑफ में और इंक्रीज हुई है कट ऑफ, क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट्स की संख्या थी वो बढ़ी पहली चीज़, तो दूसरी चीज़ कंपटीशन काफ़ी हाई हुआ, काफ़ी अच्छे तरीके से कैंडिडेट्स ने तैयारी की और पहली बार जो अक्टूबर 2019 बैच थी उस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता था एग्जाम के बारे में, लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो उस टाइम पता चल गया किस तरीके से एग्जाम हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। यानी हरियाणा को छोड़ दे तो लगभग स्टेट्स की कट ऑफ इंक्रीज ही हुई थी। इस बार की कट ऑफ अगर आप लोगों को पता है यानी 10/2020 बैच की कट ऑफ, जिनको भी पता है अलग अलग स्टेट्स की आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं और कैंडिडेट्स को बता सकूं उसके बारे में भी। साथ ही साथ जैसे ही मुझे सब कुछ पता चलेगा जरूर बताऊंगा। अब SSR और AA के लिए भी आप लोग एक वीडियो पूछ रहे थे, मांग रहे थे, तो SSR AA के लिए भी जल्दी ही कट ऑफ आप लोगों को बताई जाएगी, जल्दी ही सब कुछ कन्फर्म करूंगा, क्लियर करूंगा, लेकर जल्दी ही वीडियो आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ क्लियर रहना बहुत जरूरी है अगर आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी जारी होगा, तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो अगर अच्छा स्कोर करना है तो, अदरवाइज आपके ऊपर है आपको कैसे क्या करना है। इस वीडियो में यही बताना था, यही डाउट क्लियर करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक या सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर सबसे ज़्यादा करना, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता चलेगी ये चीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और तब ज़्यादा लोगों को पता चलेगी, जो भी कैंडिडेट डाउट में होगा उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इंस्टा और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो आईडी आपकी स्क्रीन पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जैसे भी ज्वाइन करना है जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच गाइज़।